सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम गिट को यूज़ करके एक पैच फाइल किस तरह से बनाते हैं एंड देन उस पैच फाइल को अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज़ करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले पैच फाइल क्या होता है सोचिए so, कि आप एक प्रोजेक्ट में काम कर करें और आपको जो मेन प्रोजेक्ट है वो मास्टर ब्रांच में और आप उस प्रोजेक्ट के एक फीचर में काम करें और आप सोचिए आप एक्स वाई जेड नाम का कोई एक तो ब्रांच में आप एक उस पर्टिकुलर फीचर में काम कर करें तो जब आप उस पर्टिकुलर फीचर में जब काम कर रहे हो आप जो भी चेंजेस कर रहे हो ये सारे चेंजेस का रिकॉर्ड हम एक फ़ाइल में स्टोर करते हैं ठीक है इस फाइल को मैं बोलता हूँ पैच फाइल और ये पैच फाइल को फिर मैं मास्टर ब्रांच में भेजता हूँ और ये मास्टर ब्रांच में इस पर्टिकुलर फाइल को मैं अप्लाई कर देता हूँ मतलब मैं ये जो पैच है ये चेंजेस ऑफ कोड ये जो भी चेंज मैंने किया ये एक पैच है और ये पैच फाइल को मैं मास्टर ब्रांच में अप्लाई कर दूँगा तो मास्टर ब्रांच में वो सारे फ़ीचर्स सा आ जाएंगे जो आप उस पैच फाइल में दिए थे ठीक है तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं और किस तरह से ये होता है गेट में तो फिर तो मैं एक फाइल बनाया हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये मेरा इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये मेरा मास्टर ब्रांच के अंदर है ओके okay, सो so, तो ये मेरा मास्टर ब्रांच है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट ब्रांच तो ये मास्टर ब्रांच के अंदर मैं हूँ अगर अब अब सोचिए कि मैं एक ये अब मैं दूसरे ब्रांच में जाता हूँ माई ब्रांच के अंदर जाता हूँ सपोज सपोज कि गेट चेक आउट माई ब्रांच तो इसके अंदर मैं एक तो कोड टू विन नाम से लिखा हूँ यहाँ पे और फिर इसको यहाँ दिया अब सोचिए कि ये पर्टिकुलर फीचर या मैं सोचिए और भी कुछ ऐड कर देता हूँ सोचिए कि यहाँ पे कोड टू विन सोचिए वन ट्वेंटी सेवन ठीक है अब मेरे को अब ये क्या है ये जो मैंने फीचर ऐड किया है सपोज़ वन ट्वेंटी सेवन एक फ़ीचर है ठीक है या कोड टू वेन वन अपने आप में एक फ़ीचर है जो मास्टर ब्रांच में नहीं है और आपको उसको मास्टर ब्रांच में ऐड करना है तो आप इसका करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ मैंने ऐड कर दिया एंड उसके बाद गेट कमेट एक देता हूँ 127 नाम का मैंने गेट कमिट कर दिया अभी कमिट चेंजेस कमिट हो गए ठीक है अब मेरे को क्या करना है अभी अब मैंने सबसे पहले आपको इस डायरेक्टरी दिखाया इसमें इस डायरेक्टरी में सिर्फ मेरा इंडेक्स डॉट एच एम एल है अब मेरे को क्या करना है अब, इस इस मेरे, है। अब मेरे, को करना? मेरे को एक पैच फाइल बनाना है पैच फाइल को बनाने के लिए एक सिंपल कमांड है गेट format पैच आईफिन पैच और उसके बाद जो भी फ़ीचर के साथ मेरे को जिस भी ब्रांच से मेरे को कंपेयर करना उस ब्रांच का नाम जैसे यहाँ पे मैं अभी माई ब्रांच में हूँ और मेरे को मास्टर ब्रांच के साथ कंपेयर करना तो मैं लिखूँगा मास्टर ठीक है ये 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 इंटर करने में, में मेरा एक पैच फाइल बन जाएगी तो इसमें एक और ऑप्शन इसमें डैश ओ देकर मैं एक तो फ़ाइल का नाम दे सकता हूँ तो मैं फ़ाइल का नाम देता हूँ पैच देता हूँ ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा अब इस पैच फोल्डर में इस पर्टिकुलर पैच फोल्डर के अंदर दो टो पैच फाइल बन जाएंगे क्योंकि पहला वाला मैंने कमिट किया था अभी ये दूसरा जो कमिट किया अब सोचिए दोनों फीचर्स को मेरे को अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लाना है राइट तो सबसे सबसे पहले मैं क्या करूँगा सबसे मैं करूँगा चेकआउट करूँगा अपने मास्टर ब्रांच में ने मास्टर ब्रांच ने चेकआउट किया यहाँ पर आप देख पा रहे कि सिर्फ हेलो दिख रहा है मेरे को कोड भी चेंज कोड भी चेंज हो चुकी है ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे यहाँ पे करूँगा मेक गेट ए एम फिर पैचेस राइट इसमें मैं कोई भी पैच आ, लिख सकता हूँ सपोज़ ज़ीरो ज़ीरो वन सपोज़ कोड टू विन वाला पैच को मेरे को ऐड करना तो मैं क्या करूँगा इसको ऐड कर दिया तो आप देखिए यहाँ डायरेक्ट मेरा अपडेट हो गया अब मेरे मास्टर ब्रांच में मेरे मास्टर ब्रांच में अब ये प, ये पर्टिकुलर कोड आ गया अगर मैं करता हूँ मैं किस ब्रांच में तो मैं मास्टर ब्रांच में कोड टू वेन आ गया राइट right? जी मेरे को दूसरा वाला अगर पैच ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा सिंपली जाऊँगा उस पर्टिकुलर जो भी पैच फाइल है उसका नाम लिखूँगा और इंटर अभी वन ट्वेंटी सेवन भी आ गया जिस तरह से हम लोग गेट पैच को यूज़ करते हैं ठीक है तो आपको समझ आ गया होगा गेट पैच हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं किस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और बस चलिए चलते हैं बाय